रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ध्यान से और पूरे विश्वास के साथ निभाना चाहिए। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक पति पत्नी और सास की कहानी है, तो चलिए सुनते हैं। रोशनी, तुम घर की बड़ी हो, छोड़ो ना इन सब बातों को, क्यों अपना दिल जलाती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही रानी हार दोबारा बनवा दूंगा। प्रशांत ने अपनी पत्नी को हर बार की तरह एक बार फिर धीरज बांधते हुए बोला। हाँ बड़ी हो तो क्या हुआ, इसमें मेरी गलती है क्या? बड़े होने का भुगतान मुझे हर बार अपनी इच्छाओं को मार कर देना होगा, हर बार आपकी माँ के द्वारा किया हुआ अन्याय सहना होगा? क्यों, आखिर इस घर की खुशियों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? न जाने ऐसी कितनी छोटी बड़ी बातों को नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि सब अपने हैं, सारे रिश्ते मेरे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करने का क्या ही मिलेगा। लेकिन आज पानी सिर से ऊपर जा चुका है, मैं इस बात को बड़ा बनाकर ही छोड़ूंगी। आपको मेरा साथ देना है तो दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी करते रहिए। थोड़ा सोचो, आपको क्या मिला? आप ही के पैसों के गहने मुझे नसीब नहीं, आपकी तनख्वाह आपके हाथ में नहीं रहती, बेटी का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, स्कूल की फीस भी भीख जैसे ही दी जाती है। इतने पर भी आपको चुप रहना है, रहिए मगर मुझसे उम्मीद मत कीजिए। कहते हुए रोशनी अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। क्या बात है बड़ी बहू, सुबह सुबह क्यों भनभना रही हो? सास से पूछ बैठी, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि माजरा क्या है। माँ जी, अब बहुत हुआ, आप अभी श्रद्धा को दिया गया मेरा रानी हार वापस लेकर मुझे दीजिए। वह हार मेरा है और आप इस तरह किसी को नहीं दे सकती, मगर आपने कभी अपना फैसला नहीं बदला तो क्या बड़ी बहू, आज तुमने अपनी सारी शर्म लिहाज अपने कमरे में छोड़ दी है, जो इस तरह अपने सास ससुर के सामने आकर दहाड़ रही हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाज अच्छे से पता है ना, हम जो फैसला लेते हैं वह अंतिम फैसला होता है, ना ही वह बदला जाता है ना ही उस पर दोबारा सोचा जाता है। फिर तुम किस मुँह से हमारे द्वारा किए गए फैसले को पलटने आई हो? मैंने वो हार मुँह दिखाई में छोटी बहू को दे दिया है, अब वो उसका हुआ, अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अदरक और काली मिर्च वाली चाय लेकर आओ। रोशनी को सिंह परिवार में आए 7 साल हो चुके थे और अच्छी तरीके से अपने सास के हर इरादे को समझती है। शादी के बाद मेहमानों के जाते ही रूपाली जी ने अपनी बहू के सारे गहने सुरक्षित रखने का बहाना कर अपने पास रख लिए। उसके बाद जब भी रोशनी के गहने पहनने के लिए मांगो तो सब इनकार कर दिया, ये बोलकर कि सोना घर में रखना ठीक नहीं होता, इसीलिए सारे गहने लोकर में सुरक्षित रख दिए हैं। जब कभी भी कोई बड़ा फंक्शन शादी ब्याह होगा तब निकाल कर दे दिया जाएगा। इतने सालों में फंक्शन शादी ब्याह सब कुछ हुए, मगर गहने अपने हाथ कभी ना आए, उल्टा उसके गहने छोटी ननद की शादी में उपहार स्वरूप दे दिए गए, कुछ बड़ी ननद को नेकचार के नाम पर। जब रोशनी ने इस बारे में अपनी सास को पूछा तो वह बोली, यह सब गहने हमने अपने पैसों से बनवाए हैं, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, हम जो चाहे वो करे, तुम्हें क्या। पतिदेव ने भी इस मसले पर चुप्पी साध ली, जबकि सारे पैसे उन्हीं से लिए गए हैं। जब माँ से सवाल जवाब करना बेटी को ठीक न लगा, इसीलिए पत्नी को ही डांट कर चुप कराया कि घर में कलेश मचाने से अच्छा अगली बार बोनस मिलने पर तुमको नए गहने दिला दूंगा। मगर घर परिवार के खर्चे इतने होते कि कभी अंगूठी के पैसे भी ना बचते। हार कंगन तो बहुत दूर की बात है, मगर हर बार अपनी गहनों को अपनी ननदों के गले हाथ कानों में सजा देख और खुद रोशनी ससुराल की इज्जत बचाने के लिए नकली गहने पहनने पर मजबूर हो जाती। इतना ही नहीं, उसके मायके से मिले गहने सासू माँ खुद पहनने से कभी नहीं चुकती, जिन्हें देख रोशनी ने कई बार कहा, माँ जी आपने मेरी माँ द्वारा दिए गए कंगन भी पहनने हैं, एक बार मुझे पहनने दीजिए। तो गुस्से से सासू माँ कहती, शर्म नहीं आती अपने सास के हाथों से कंगन उतरवाने में? बड़ी बहू, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, अपनी माँ समान सास की इज्जत कैसे करना है नहीं सीखी हो? और क्या हो गया जो तुम्हारे 2 कौड़ी के कंगन पहन लिए तो? इतनी बातें सुन रोशनी दोबारा अपने ही गहने मांगने की हिम्मत नहीं करती और सासू माँ उसके सामने ही दिखा दिखा कर उसके गहने को पूरा अधिकार के साथ पहनती। मगर आज जब उसकी माँ की आखिरी निशानी वो रानी हार जो उसकी माँ ने अपने कंगन बेचकर खरीदा था, सास रूपाली जी ने उसकी देवरानी को मुंह दिखाई में भेंट कर दिया। ये देख रोशनी आग बगुला हो गई और उसे अच्छी बुरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जहाँ एक तरफ अपनी सास के खिलाफ बोलने पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, वही चुप रहकर समझदारी का चेला उड़ना अब उसे अखर रहा था। जड़ बनकर अब भी रोशनी सास के कमरे में ही खड़ी थी, जिसे देख सास बोली, सुना नहीं तुमने बड़ी बहू, जाओ जाकर चाय बना लाओ। तब तक इतनी आवाजें सुनकर देवर और देवरानी वहां पहुंच गए थे।
तभी पास में खड़े प्रशांत ने बड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, माँ आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है मगर इस बार नहीं। आपने रोशनी के मायके से मिला हार छोटी बहू को देकर गलत किया, मामला यही शांत हो जाएगा अगर आप वह हार लौटा दें। वाह बेटा, आज तुम जोरू के गुलाम बन ही गए। आखिर इसकी पढ़ाई पट्टी तुमने रट ली जो तुम अपनी माँ के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो मैं जो करती हूँ बिल्कुल सही करती हूँ, और इसके मायके वालों ने ऐसा दिया ही क्या था जो यह इतना उछल रही है। हमने शादी पर इतना खर्च किया था जो थोड़े से गहनों से हमने वसूल लिया, अब किसी भी चीज पर इसका कोई अधिकार नहीं। लेकिन असली बात तो यह थी कि सास ने वह गहने शादी में हुई कमी पेशी के बदले रख दिए, फिर उसका इस्तेमाल देने लेने में करने लगी जो कि पूरी तरह गलत था। तभी पास में खड़ी छोटी बहू सारे मामले को सुन और समझ बोली, माँ जी बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगी मगर रोशनी भाभी एकदम सही कहती है, मेरे हिसाब से बड़ी भाभी के साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करना और सहना दोनों ही गलत है। जो चीज़ उनकी है उन्हें मिलनी ही चाहिए, और फिर ये हार तो उनकी माँ की आखिरी निशानी है, उनके लिए माँ समान है। और फिर कोई भी मामला बातचीत से सुलझता हो तो उसे रबर की तरह नहीं खींचना चाहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, भाभी ने तो कितने साल आपका लिहाज रिश्तों की मर्यादा को निभाया, उन जैसी सहनशीलता तो मुझमें बिल्कुल भी नहीं, और फिर से ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए चुपी कब तक। कल तो आप अगर मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मैं इतना अन्याय सहन नहीं कर पाऊंगी, पहली बार में ही मैं आपसे सवाल करने पहुंच जाऊंगी। और फिर मुझे आए हुए यहाँ से 4 दिन ही हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि एक निर्जीव वस्तु के लिए मेरे रिश्ते जेठानी के साथ बिगड़े। आखिर रहना तो मुझे उनके साथ ही है। और तुरंत वह हार उतार कर रोशनी के गले में पहना दिया। सास के मंजूबों में पानी फिर गया क्योंकि ये सब करके वे देवरानी जेठानी में फूट डालना चाहती थी जिससे दोनों बहुओं में कभी एकता न हो और वो अपना एक छत्र राज चला सके। दोस्तों आपकी क्या राय है, सास जो कर रही है वो सही था या फिर जो दोनों बहुओं ने किया वो सही था, जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।